हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्पोर्ट्स आर पर। मैं हूं आपके साथ सपना दानो। आईपीएल 2024 की शुरुआत 22 मार्च से हुई, जिसका पहला मुकाबला सीएसके और आरसीबी के बीच खेला गया। इस मुकाबले में सीएसके ने शानदार जीत हासिल की और आरसीबी को एक बार फिर चिप ऑफ में हार का सामना करवाया। लेकिन मैच के बाद विराट के चहेते आरसीबी के दिग्गज खिलाड़ी ने संन्यास का ऐलान कर दिया। उन्होंने बातों ही बातों में इस बात की जानकारी दे दी कि आईपीएल का ये सीजन उनका आखिरी आईपीएल सीजन है और उन्होंने इस बात से सबको चौंका दिया। दरअसल पूरी खबर क्या है, चलिए आपको बताते हैं। आपको बता दें, आईपीएल 2024 के सीजन के पहले मुकाबले में आरसीबी ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया और 173 रनों की पारी खेली। इस दौरान दिनेश कार्तिक ने 26 गेंदों में 3 चौके और 2 छक्के लगाए और 38 रनों की नाबाद पारी खेली। दिनेश कार्तिक और अनुज रावत के इस पार्टनरशिप की वजह से ही आरसीबी 173 रन का स्कोर खड़ा कर पाई। हालांकि आखिरी में आरसीबी को हार का सामना करना पड़ा। हार के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब दिनेश कार्तिक आए तो उन्होंने सबसे पहले अपने प्रैक्टिस को लेकर बात की, क्योंकि दिनेश कार्तिक भारत और इंग्लैंड के बीच जो टेस्ट सीरीज हुई थी उसमें वो कमेंट्री की भूमिका निभा रहे थे और वो काफी बिजी थे। ऐसे में आईपीएल की तैयारी करना उनके लिए काफी मुश्किल था, जिसे लेकर उन्होंने कहा, कमेंट्री करते हुए टेस्ट मैचों के बीच क्रिकेट खेलने के लिए समय निकालना बेहद मुश्किल था। मुझे जब भी समय मिलता था उस दौरान मैं मेहनत करता था। उन्होंने आगे कहा कि यही वजह है कि मैं खुश हूँ। मुझे खुशी है कि मैं पहले मैच में अच्छा प्रदर्शन करने में सफल रहा, कुछ रन बनाकर अच्छा महसूस हो रहा है। उसके बाद जब उनके चेप ऑफ में अनुभव के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद है कि हमारी टीम प्लेऑफ में इस बार जगह बनाने में सफल होगी। यहाँ प्लेऑफ के मैच खेले जाएंगे और मैं उनके लिए वापस यहाँ आ सकता हूँ, जो मेरा यहाँ अंतिम मैच हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो ये चेपॉक के मैदान में मेरा आखिरी मैच होगा। यानी कि उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर आरसीबी प्लेऑफ में नहीं पहुंचती है तो ये उनका यहाँ आखिरी मैच होगा और आईपीएल का 17वां सीजन का उनका आखिरी सीजन है, जिसके बाद वो संन्यास ले लेंगे। उन्होंने इसका फैसला कर लिया है, उन्होंने सोच लिया है कि अब आगे वो आईपीएल नहीं खेलेंगे। आपको बता दें कि दिनेश कार्तिक ने आईपीएल में अब तक 222 इनिंग में 4,554 रन बनाए हैं, जिसमें उनके 20 अर्धशतक हैं, 442 चौके और 141 छक्के शामिल हैं। खैर, देखना होगा दिनेश कार्तिक आईपीएल के बीच में संन्यास लेते हैं या फिर नहीं, आईपीएल के इस सीजन का खत्म होने का इंतजार करते हैं, देखना होगा। बहरहाल आपका इस खबर को लेके क्या कुछ कहना है, दिनेश कार्तिक को लेके क्या कुछ कहना है, साथ ही आईपीएल में आरसीबी के प्रदर्शन को लेके आपका क्या कहना है, क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को लाइक शेयर करना ना भूलें।